हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ अरुण कुमार प्रधान। ये हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप का एक वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा सहयोग करेंगे मेरा भाई, मेरा दोस्त राहुल। हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल कुमार। सब्सक्राइब वीडियो को देखिए, अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए। हमसे जितना हो पाया है हम समझाने का कोशिश किए हैं। अगर कुछ गलती हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा, और अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों का क्वारी का आंसर जल्द से जल्द दें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिएगा जरूर। ग्रुप में डालिए दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्लेम सेफ्टी लैंप की असेंबली, डिसेंबली और उसके पार्ट्स के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बत्ती पकड़ने का तरीका इस तरह होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, इसका मैग्नेटिक लॉक लगा हुआ है। इसको पूरा पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेफ्टी लैंप। ये GL50 एक प्रकार का फ्लेम सेफ्टी लैंप है। सबसे नीचे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे तेल बर्तन, ये तेल कुप्पी, ये तेल कुप्पी का ढक्कन। उसके थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये मैग्नेटिक लॉक है। ये एक प्रकार का सेफ्टी फीचर है। क्या ना, ये जो हम लोग का नॉर्मल डिब्बी रहता है उसमें क्या होता है ना, अगर सेफ्टी लॉक नहीं रहेगा गिर जाएगा। अब फ्लेम सेफ्टी लैंप का हम लोग का काम क्या है कि माइंस के अंदर में हम लोग को आग नहीं लगाना है, इसीलिए ये मैग्नेटिक लॉक यूज किया जाता है। इसको कैसे खुला जाता है चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पिलर, 5 पिलर है जो कि अंदर में ग्लास को प्रिवेंट करता है टूटने से। ये आपका ग्लास हो गया, बोरोसिल कंपनी का आता है, DGMS अप्रूव्ड होना चाहिए। ऊपर में आप देख पा रहे बोनेट, ये हो गया आपका इनलेट होल, ये हो गया आपका आउटलेट होल, और ये आपका होल्ड हैंडल। ओके, तो चलिए आप दिखाते हैं कि ऐसे इसको डिसेंबल करेंगे। पहले दो प्रकार का मैग्नेटिक लॉक होता है, एक होता है आपका मैनुअल मैग्नेटिक लॉक और दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लॉक। अभी हम लोग के पास इलेक्ट्रिक अवेलेबल नहीं है इसलिए आप लोग को दिखा नहीं पा रहे। चलिए फिलहाल हम लोग दिखाते हैं मैग्नेटिक लॉक से किस तरह से हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप को खोलेंगे। सबसे पहले फ्लेम सेफ्टी लैंप को किस इस प्रकार से पकड़ लेना है, मैग्नेटिक लॉक आगे आ जाए और बस यहाँ पे देखिए इसको ऐसे करके लगा देना है। लगाने के बाद जस्ट इसको इस तरह से घुमाना है, देखिए ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, इसको हटा लीजिए और घुमाइए, देखिए नीचे आ जाएगा। हम लोग का लैंप थोड़ा पुराना है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है खोलने में। देखिए जो पूरा ऑयल बर्तन है ये हमारा नीचे आ चुका है और इसका हम लोग ऐसे रख देते हैं। जस्ट आप यहाँ पे देख रहे दो गो लॉक है, ये हमारा स्नफर ट्यूब है जो ये लॉक इसको पकड़ के रखता है। ये भी एक तरह का सेफ्टी फीचर है, आगे बताते हैं इसके बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे खोला जाएगा। जो ये दोनों लॉक है कुछ हम लोग को इस प्रकार से खींचना है जो हम लोग का स्नैपर ट्यूब है नीचे आ जाएगा। देखिए बस इसको इस तरह से कैच कर लेना, कभी भी इसको नीचे नहीं गिरने दीजिएगा। जैसे ही लॉक खुलिएगा हमेशा इसको इस तरह से कैच कर लीजिएगा, नहीं तो आप फेल कर दीजिए। जो हैंडल इसको ऐसे कीजिए, ओके चाहिए पोज कीजिए। अब देखिए ये होगी एक तरह का की जो हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप क्या ग्लास रिंग को खोलने के लिए यूज करते हैं। आइए कैमरा सामने लाइए, देखिए यहाँ पे जो दांत देख रहे हैं यहाँ पे 4 होल बना हुआ है। ये होल में इसको ऐसे करके फंसा लेना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखिए खुल जाएगा। आपको तरीका इसी से खोलना है लेकिन हम लोग देखिए थोड़ा एक्सपर्ट हो गए तो इसको ऐसे करके घुमा के खोल लेते हैं। लेकिन अब जब भी एग्जाम के लिए जाएंगे तो ऐसे मत खोलिएगा, आपको फेल किया जा सकता है। अभी हम लोग ऐसे काम चला ले रहे हैं, ये ऐसे करके घुमाएंगे तो ये उठ जाएगा। देखिए ये हमारा अब आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लास रिटेनर रिंग। यहाँ पे देखिए स्नफर ट्यूब ऐसे करके फंस जाता है, इसको ऐसे करके निकालते हैं। देखिए स्प्रिंग है ये स्नफर ट्यूब को लॉक करने के लिए, देखिए यहाँ पे स्नफर ट्यूब ऐसे इसको स्नफर ट्यूब ऐसे घुसता है, यहाँ पे फंसा हुआ रहता है कसा हुआ स्नफर ट्यूब। ठीक है, देखिए ये जो फ्लेम सेफ्टी लैंप का बत्ती उसको बुझाने के लिए यूज होता है। और ऐसे करके जब इसको हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं तो ये स्नफर ट्यूब नीचे आ जाता है। ओके, ये हो गया हम लोग का ग्लास इंटरनल रिंग। यहाँ पे देखिए एस्बेस्टस पैकिंग लगा हुआ है ताकि एयर को बाहर ना दिया जाए।
अब देखिए हमारा हो गया यहाँ पे जो मैग्नेटिक लॉक है, यहाँ पे आइए, ये मैग्नेटिक लॉक देखिए, जैसे ही हम लोग मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो क्या होता है ना, ये लॉक पीछे दब जाता है, तो अब हम लोग का जो ऑयल बर्तन है ऐसे करके निकल जाता है, और जब मैग्नेट के पास ही नहीं जाता है तो ये जो ऑयल बर्तन में ये सब आप दांत देख रहे हैं ना, यहाँ पे लॉक खप जाता है, इसीलिए सेफ्टी लैंप पूरी तरह से लॉक हो जाता है। तो आप जान गए मैग्नेटिक लॉक क्यों है। आप देखते हैं कि हम लोग का जो ग्लास है इसको कैसे निकालना चाहिए, आइए, हमेशा आप जब ग्लास निकालेंगे तो ग्लास को हमेशा ऐसे करके निकालना चाहिए। आप हम लोग देखेंगे कि इसका ग्लास को किस तरह से निकाला जाता है। ग्लास निकालने का तरीका, उससे पहले आप लोग बता दे, देखिए यहाँ पे आप लोग थ्रेड देख रहे हैं, जो तेल बर्तन होता है ना इसका भी थ्रेड है, ऐसे करके घुमाने से जब लगाते हैं सब थ्रेड में ही फंस जाता है। अब देखिए, आप देखिए ग्लास कैसे निकालेंगे। ग्लास निकालने के लिए हमेशा दो उंगली को पहले तो हाथ को साफ रखेंगे, ओके, दो उंगली और हमेशा ऐसे करके दो उंगली डाल के जो हमारा ग्लास है उसको ऐसे करके निकालेंगे, ओके। निकालने के बाद हम लोग ग्लास को हमेशा ऐसे करके पकड़ेंगे ताकि ग्लास में कोई दाग वाग ना लगे, उसके बाद ध्यान से उसको ऐसे रख देंगे। रखने के बाद हम लोग का जो जाली है, देखिए जाली को भी सेम हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से निकालिएगा, देखिए एक जाली नीचे गिर गया, दूसरा जाली को भी हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। निकालने के बाद ही हम लोग का हो गया बुल्ली GL50 प्लेन सेफ्टी लैंप का डिसेंबली, ओके। ये पूरा हम लोग का एक पार्ट हो गया, ये हम लोग का दूसरा हो गया, ये हम लोग का तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया, छठा, ठीक है। हम लोग अगर टोटल स्प्लेन सेफ्टी लैंप में टोटल 8 पार्ट्स रहते हैं, हम लोग अगर जाली को अलग रखेंगे और दो को हम लोग का पैकिंग रिंग देखिए अलग रखेंगे तो टोटल हम लोग का 8 पार्ट्स आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर 3 जो है इसी पार्ट्स के अंदर आएगा, ओके। आप देखिए यहाँ पे आपको होल देखने के लिए मिलेगा, ये आपका हो गया इनलेट होल, ओके। ये इनलेट होल यहाँ से हवा लेता है, हमारा फ्लेम सेफ्टी लैंप के अंदर जो लो बनता है, फ्लेम सेफ्टी लैंप के अंदर जो लो बनता है यहाँ से हवा जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन क्या करता है ना, किसी भी वस्तु को जलाने में सहायता करता है। तो फ्लेम सेफ्टी लैंप पूरी तरह से बंद हो गया तो क्या जलेगा, नहीं, तो यहाँ से हवा आना चाहिए जलने के लिए, और जलने के बाद जो बर्निंग मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है इस होल के द्वारा बाहर निकलता है, ओके। अब देखिए हम लोग इसको असेंबल कैसे करेंगे, असेंबल करने से पहले देखिए हम लोग पहले जो होल है थोड़ा देख लेंगे, गंदा तो नहीं है, अगर कोई होल बंद हो गया होगा तो उसको थोड़ा देख के अच्छा से साफ कर लेंगे, उसके बाद उसको ऐसे करके रखेंगे। देन हम लोग जो हम लोग का ग्लास है, सॉरी, जो हम लोग का जाली है वो भी हम लोग थोड़ा ऐसे करके साफ कर लेंगे। इसमें जो कार्बन होगा या गंदगी होगा वो निकल जाएगा। लैंप सेफ्टी लैंप को बड़ी अच्छे से साफ करना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का लैंप सेफ्टी लैंप है, कोई नॉर्मल लैंप नहीं है, इसलिए इसका जितना भी अच्छा से हम लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा से यूज करेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा है, नहीं तो इससे अगर लोड बाहर निकल गया तो आग लग सकता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा इसका ध्यान से यूज कीजिए। देखिए इस तरह से जाली इस प्रकार से कुछ साफ कर लेंगे। आप जाली को ऐसे लगा दिए, जाली को ऐसे लगाने के बाद हमारा अगर टूटा फूटा होगा तो थोड़ा इसको अच्छा से लगा दीजिएगा दूसरा बदल के। अभी फिलहाल हम लोग के पास यही है तो अभी यही लगाते हैं, इसको एस्बेस्टस पैकिंग बोलते हैं, एस्बेस्टस पैकिंग रिंग, ओके। हम लोग का जो ये जाली है, दोनों जाली हमेशा 20 SMS की होती है। क्या है आप लोग थोड़ा चिट्ठी बुक देखिएगा, एलसी काकू का आता है, उसमें अच्छा से बहुत अच्छा से बताया हुआ है, ठीक है।
अब इसको देखिए ऐसे करके हम लोग लगा देंगे। चला गया, हम लोग का ग्लास है, ग्लास को भी थोड़ा साफ कर लेते ताकि हम लोग को विजिबिलिटी में अच्छा मिले। इसको हमेशा कुछ साफ पेपर से साफ कीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। वही तो खोल लिए, साफ कर लेने के बाद फिर ग्लास को हमेशा इस तरह पकड़िए, इस हिसाब से ये जो लोगो है हमेशा नीचे की ओर रहना चाहिए। देखिए ग्लास को हम लोग ऐसे करके लगाएंगे, उसका ग्लास लग चुका है, लोगो भी हम लोग का नीचे तरफ बैठ चुका है, तो ये परफेक्टली बैठा है। हमेशा जब एग्जाम में जाइएगा तो लोगो हमेशा नीचे रहना चाहिए, ओके। देन अब हम लोग को क्या करना है, जो ये ग्लास रिटर्नर देंगे इसको लगाना है हम, तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए प्लेट में कुछ फंसा वसा ना है ताकि अच्छा से लॉक हो जाए। अब इसको ऐसे करके बैठा देंगे, ओके, ऐसे करके घुमाएंगे। देखिए ये जो दो दाती है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाइए, ये दो दाती लेके ऐसे करके घुमाएंगे, ऑटोमेटिक घूमते जाएगा, नीचे थ्रेड में फंसते जाएगा। थ्रेड में फंसते जाएगा और फंसने के बाद इसको अच्छी तरह से लॉक करने के लिए हम लोग की से वो जो दो दाती था उसको ऐसे करके अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। अब देखिए पूरी तरह से लॉक हो चुका है, पूरी प्योरली टाइट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब का ये हम लोग का हो गया पूरा तेल बर्तन, इसके विवरण हम आपको पहले ही दे चुके हैं। आप लोग को एक चीज इसमें बताना हम भूल गए थे, जो एडजस्टिंग स्क्रू होता है पलिता का, जो होता है हम लोग ये पलिता, इसको एडजस्टिंग एक स्क्रू होता है नीचे, ये देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाने से ये ऊपर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से नीचे जाता है, ऊपर जाता है, सॉरी माना उसको अपोजिट होता है, ओके। ऐसे करके इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग है, ऊपर नीचे होगा, जो हम लोग का नॉर्मल फ्लेम है, टेस्टिंग फ्लेम है, इसी को घुमा के बनाना पड़ता है, ओके। सबसे पहले पलीता हम लोग एकदम महीन कर लेंगे, उसके बाद ऐसे करके पलीता को फंसा लेंगे, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आप ऐसे इसको स्नोपट्टी हम लोग लगा देंगे, लगा लेने के बाद हम लोग ऐसे करके घूमेंगे लेफ्ट हैंड से हमेशा। अच्छा चलिए दिखाते हैं, हम लोग एक चीज हम जब ऐसे इतना कष्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बता देते हैं, ऐसे आग लगा लेंगे हम लोग ऊपर में हमेशा ही केप लैंप रूम से आग लगा के नीचे ले जाना पड़ता है, नीचे में कभी जाके आग नहीं लगा, यहाँ पे ऐसे करके हम लोग आग लगा लेंगे। चलिए थोड़ा हवा तेज है और हम लोग का तेल बर्तन में तेल भी नहीं है शायद, इस वजह से लो हम लोग का बुझने को हो रहा है। इसको देखिए ऐसे पकड़ेंगे हमेशा और इसको ऐसे रखेंगे, अब जब इसको लगाने को आएगा ना हम लोग को, क्या नाम है, लगाने को जब आएगा हमेशा जरूरी कि हम लेफ्ट में रखेंगे राइट में स्टैंड रहता है, हम लोग का जो लगने का चीज है, अब लेफ्टी से हम लोग हम लोग हमेशा लैंप हम लोग का पुराना हो गया, इसलिए स्नोपट्टी हम लोग जब हम लोग इसको लगाएंगे जो जैसे ही वाला हम लोग का ऊपर का बोनट बैठ जाएगा कट करके आवाज करेगा, उसके बाद हम लोग इसको ऐसे करके घुमाते रहेंगे, ये हम लोग का लॉक होता जाएगा, घुमाने का टाइम इसमें हम लोग फू मारेंगे ताकि हम लोग का जो लो है वो भूते ना। बोल सकता है, देखिए घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा लेंगे ताकि हम लोग को पता चलेगा ही परफेक्टली लॉक हो चुका, अभी खुलेगा नहीं, ठीक है। अब इसको ऐसे करके पकड़ेंगे, ये हम लोग का अभी लगभग नॉर्मल फ्लेम है, ठीक है। और टेस्टिंग फ्लेम बनाने के लिए हम लोग इसको घुमाएंगे धीरे धीरे नीचे, पहले डार्क प्लेस थोड़ा थोड़ा इसको घुमाएंगे, जब हम लोग का टेस्टिंग फ्लेम बनेगा ना तो एकदम हल्का सा छोटा सा ब्लूइश कलर होगा, थोड़ा तेल नहीं हम लोग इस बार लैंप में तो शायद बुझ सकता है बत्ती, तो बस देखिए एकदम धीरे धीरे येलो हट रहा है, ब्लू आ रहा है, ब्लू देखिए, हम लोग का तेल नहीं है इसलिए थोड़ा बुतने का डर हो सकता है। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं टेस्टिंग फ्लेम, एकदम धीरे धीरे देखिए एकदम हल्का सा ब्लूइश कलर आएगा आप लोग को, एकदम येलो हट जाएगा,
देखिए अब येलो हट चुका है, ये जो अभी हम लोग का फ्लेम बना ये हम लोग का हो गया टेस्टिंग फ्लेम। ओके ठीक है, तो आज आप लोग ने सीख लिया फ्लेम सेफ्टी लैम्प का असेंबली और डिसेंबली, उसके बाद आप लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग को नॉर्मल फ्लेम बनाना है, टेस्टिंग फ्लेम बनाना है, लगभग हमसे जितना हो सका हम आप लोग को बता दिए। उसके साथ ही साथ आपको दो क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको डीजीएमएस पूछता है, और लड़का हमेशा ही दो क्वेश्चन में फंस जाता है कि ना, एक क्वेश्चन है कि टेस्टिंग फ्लेम सॉरी फ्लेम सेफ्टी लैम्प हमारा कितने प्रकार के होते हैं, तो लड़के का जवाब हमेशा रहता है चार प्रकार, लेकिन चार प्रकार क्या क्या होता है उसमें फंस जाता है, वो लोग क्या बोलता है ना जीएल 7 जीएल 50 जीएल 60 जीएल 5। ओके तो ये जो है ना हम लोग का फ्लेम सेफ्टी लैम्प का प्रकार नहीं है, ये है हम लोग का जेके दे एक कंपनी द्वारा बनाया गया फ्लेम सेफ्टी लैम्प। हम लोग का टेस्टिंग फ्लेम कितने प्रकार के है ना, दो प्रकार का, दो तरीका से उसका हम आंसर दे सकते हैं। एक हो गया कि हवा घुसने के अनुसार हम लोग का फ्लेम सेफ्टी लैम्प चार प्रकार का होता है ना, क्या क्या, टॉप फिट बॉटम फिट मिड फिट टॉप एंड बॉटम फिट, और दूसरा ना रिलाइटिंग व्यवस्था के अनुसार हम लोग का फ्लेम सेफ्टी लैम्प दो प्रकार का होता है, एक हो गया रिलाइटिंग व्यवस्था वाला है जो होता हो गया जीएल 7 में रहता था, और दूसरा हो गया आपका बिना रिलाइटिंग व्यवस्था वाला है। ओके जो हम लोग का भी जीएल 50 है इसमें आप देख सकते हैं। तो आज के लिए शुक्रिया धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ आ सका हूँ। मेरा नाम है राहुल देसवाली, मैं माइनिंग डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग किया हूँ, अभी फिलहाल मेरा ट्रेनिंग चल रहा है कनुस्तुरिया कोलियारी में। थैंक यू।